से हर शहर में कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। चार साल बीत गए, 2019 5 अगस्त को जो है वो मकबूता कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसे ख़त्म किए हुए। हमारे साथ जो शुरका मौजूद हैं उनसे बात करते हैं जो एहतजाज में इस वक्त शरीक हैं। आपकी जानब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, क्या मुतालबा है आपका आलमी सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम आज मकबूजा कश्मीर और वहाँ के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज हम उनकी आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज हम पुरजोर एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इंडिया ने कश्मीर की जो जुदागाना हैसियत और अलहदा तशखस है उसको उसने ख़त्म कर दिया। आज से चार साल पहले इसी दिन उसने आइन में जो इंडिया मकबूजा कश्मीर को अलहदा और जुदागाना हैसियत हासिल थी वो इंडिया ने ख़त्म कर दी। जबकि हमारा मानना यह है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर में मुसलमानों की मेजॉरिटी है। बिल्कुल, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आज आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ शहरों से जो है वो रैलियाँ जा रही हैं। रैलियों में शरीक जो चुका है उन्होंने पाकिस्तानी परचम के साथ जो है वो कश्मीरी परचम हाथों में उठा रखा है। कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। स्याह रंग के जो परचम है वो हाथों में उठा रखे हैं और यहाँ पर जो एहतजाज के शरीक जो शुरका है उनका कहना है कि हम कल भी अपनी कश्मीरी आवाम के साथ थे, हम आज भी अपनी कश्मीरी आवाम के साथ हैं और मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसे बहाल किया जाए और कश्मीरी आवाम जो है उस पर कई दिहाइयों से मजालिम ढाए जा रहे हैं, निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं जिसके खिलाफ आज एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में शरीक जो शुरका है उन्होंने बैनर हाथों में उठा रखे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और रैलियों में जो शरीका शहरी हैं उनका ये कहना है कि हम आज के दिन सड़कों पर निकले और आलमी सतह पर करवा रहे हैं कश्मीर बहाल किया जाए, कश्मीर हक के हो।